सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉस्मोस। मैं हूं फरहान। इस वीडियो में बात करने वाले गाइस 40,000 के अंडर की पीसी बिल्ड के बारे में। बहुत ज्यादा शानदार पीसी बिल्ड होने वाला है। गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, कुछ भी मल्टीमीडिया यूज करना चाहते हो, मल्टीमीडिया आराम से सब कुछ कर पाओगे। ऑल इन वन पीसी बिल्ड बनाया है एकदम बेस्ट प्राइसिंग। ऐसी प्राइसिंग आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब शायद ही क्या, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कहीं भी ऐसी प्राइसिंग नहीं मिलने वाली है। ऐसी प्राइसेस सिर्फ जगदम्बिका इंटरप्राइजेस पे मिलेगी, जहां की मैं आज वीडियो बना रहा हूँ गाइस। और इनका वेबसाइट भी है एमवी कार्ड, और एमवी कार्ड जो है अभी पीसी बिल्ड उस पे लिस्टिंग नहीं हुई है। पीसी बिल्ड की जल्दी लिस्टिंग हो जाएगी क्योंकि मैं आ गया हूं। और इसकी जो प्राइसिंग एग्जैक्ट है 39350 है, बट तो अंडर 40,000 ही कह लो आप इसको। सब कुछ हो जाएगा तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत मेहनत लगी है बनाने में इस पूरे पीसी बिल्ड को। यहां पर देख सकते हो। तो गाइस प्राइसिंग भी मैं इसकी बताऊंगा, कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, प्राइसिंग पूरी बताऊंगा एक एक की, थोड़ा और समझाऊंगा मैंने ये क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया, सब बताऊंगा। और वो से मेरा मतलब है 5700G की लगा, उससे भी गेमिंग हो सकती थी और बजट जो है थोड़ा कम हो जाता, बट हमने जो ग्राफिक्स कार्ड लिया है अच्छे से ताकि बेहतरीन और बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले प्रोडक्ट जो है गाइस देख सकते हो, ये है i5 10th generation, i5 10 400F, LGA 1200 सॉकेट है, 6 कोर्स 12 थ्रेड, उसका बेस क्लॉक जो है 2.9 GHz, मैक्सिमम जाता है 4.4 GHz तक। उसका जो TDP है 65 W की आपको मिल जाती है इसमें। L3 कैश की बात करो तो वो है 12 MB की, L2 कैश की बात करो तो वो है 1.5 MB की, 14 nm का ये प्रोसेसर आपको मिल जाता है। गाइस आपको जो डाउट है अभी वीडियो देखो, पूरा समझ में आएगा क्लियर एकदम कि मैंने ये स्पेसिफिकेशन क्यों लिया। मदरबोर्ड बात करूं H510 लिया यहां पर MH, उसका दिया ऑब्वियसली गीगाबाइट की तरफ से है, इंटेल सपोर्टेड है, बट हां इंटेल का 11th जनरेशन को ये सपोर्ट करता है, बट हमने यहां पर 10th जनरेशन का सीपीयू लिया ताकि देखो अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करो या फिर ये जो है बेटर आउटपुट आपको, बेटर मतलब ऑब्वियसली न्यू है, बेटर आपको आउटपुट मिलेगा, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, AI को पावर्स अच्छे होंगे, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी होगी VRM की। तो गाइस देख सकते हो यहां पर जो 6+2 फेजेस का है, यहां पर टोटल 8 फेजेस है इसमें, 6 जो है वी कोर के लिए जाता है, उसका फुल PCIe 4 का भी सपोर्ट है, X16 है ये, तो ऑब्वियसली यहां पर ग्राफिक्स कार्ड ही लगेगा। M.2 NVMe का भी सपोर्ट है यहाँ पर, ये देख सकते हो। और उसका गाइस इसमें जो है USB 3.2 का भी एक स्लॉट है, 2 4-pin फैन कनेक्टर है, और 4-pin का RGB का कनेक्टर मिल जाता है, और LAN VGA सब कुछ है, ऑडियो के लिए मस्त पोर्ट आपको दिया हुआ है, और 4 SATA के भी कनेक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं गाइस। काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है ये मदरबोर्ड। प्राइसिंग में सबकी एक साथ बताने वाला हूं, एंड में एंड जरूर देखना। उसका बात करूं गाइस NVMe यहां पर लगाया है हमने 500GB का, WD की तरफ से आता है, ब्लू वाला है ये, तो काफी अच्छा है। और इसकी स्पीड देख सकते हो 3500 MB/s है, ये August 2022, जिनको लग रहा है थोड़ा अगर पुराना है तो देख सकते हो August 2022, एकदम फ्रेश पीस है यार। यहाँ पर कोई भी खाली डब्बे नहीं है, सब डिब्बे भरे हैं। यहाँ पर प्रोसेसर भी देख सकते हो i5 10 400F, और इसकी भी आपको गाइस देख सकते हो, ये भी जो है अगस्त की ही पैदाइश है, तो ये दोनों का सेम है, मतलब अगस्त में ये भी, तो एकदम न्यू आपको प्रोसेसर मिल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई लोचा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। अभी जो हम लोग जगदम्बिका इंटरप्राइजेस में, इनकी वेबसाइट भी एमवी कार्ड के नाम से, अभी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन चुकी है, बट इन सब प्रोडक्ट का लिस्टिंग उस पर नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। तो एकदम आप श्योर रह सकते हो कि कोई भी इशू नहीं होने वाला है, विद GST, विद प्रॉपर बिलिंग, सब कुछ, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। आप एक बार आओ यहां, आके विजिट करो, पीसी बिल्ड कराना, पीसी बिल्ड करो, कुछ भी कंपोनेंट खरीद सकते हो, सब कुछ है, मतलब SSD से लेके ग्राफिक्स कार्ड, पीसी बिल्ड, NAS का भी ऑप्शन मिलता है आपको, अगर NAS सर्वर बनाना है स्टोरेज के लिए, उसका भी ऑप्शन है यहां पे। सो यू जस्ट डिमांड, वी हैव द सप्लाई। लगाया 8GB का यहां पर DDR4 Corsair Vengeance का 3200 MHz, 8GB लगाया, बट आप 8GB और बढ़ा भी सकते हो आपको अगर और आउटपुट चाहिए, बट 8GB will get the work done, ठीक है, माना उतनी हाई एंड की चीजें नहीं हो पाएगी, आप गेमिंग भी कर रहे हो, उसके साथ एडिटिंग भी कर रहे हो, फिर स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो, तो उसके लिए 16GB जाना पड़ेगा, तो यार थोड़ा सा बजट बढ़ा के आप ले सकते हो। तो गाइस अब हमने लगाया ग्राफिक्स कार्ड इसमें 1050 Ti MSI की तरफ से, समझ रहे हो MSI क्वालिटी ब्रांड, आप समझ गए हो एकदम। तो हमने 1050 Ti देख सकते हो, ये GTX है, ऑब्वियसली 4GB DDR5 का एडिशन है, डुअल फैन है इसमें, और पीछे आप देख सकते हो, मतलब आप गेमिंग, ऑफिस यूज सब कुछ कर सकते हो, G-Sync आपको मिल जाता है, गेम रेडी ड्राइवर्स है, मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है। एडिटिंग कर रहे हो Adobe Premiere Pro में, तो 20 से 30 लेयर आप आराम से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। AAA टाइटल्स जो है इसमें आप आराम से खेल सकते हो, इशू जरा भी नहीं होगा, अच्छा कार्ड है। और देखो मेन क्या है गाइस कि MSI की तरफ से वो मैटर करता है यार, MSI का है, अगर आप दूसरे ब्रांड्स में जाओगे 1650 भी ले लोगे, तो हो सकता है ये जो है उसकी परफॉर्मेंस बीट कर दे, हो सकता है बोला। और 4GB का कार्ड है, तो आप आराम से इस पे गेमिंग, स्ट्रीमिंग सब कुछ कर सकते हो। और अब जो है मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं, यहां पर आप सोच रहे हो गाइस कि मैंने इसमें 5700G क्यों नहीं लगाया, तो गाइस देखो सीन क्या है कि अगर आप ये लोगे और ये लोगे, तो जो प्राइस पड़ रहा है इन दोनों का, वो प्राइस 5700G का है, तो लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस वैसे ही कम हो चुकी है, तो कोई मतलब अब है नहीं कि आप जो है 5700G, 5600G, 4500G, 3200G किसी भी जा रहे हो, उन जी से अब मतलब नहीं। और मैं आपको अभी एक क्लिप भी दिखा दे रहा हूं, उसमें आपको पता चल जाएगा गाइस कि जो FPS है वो कितना ज्यादा है, लाइक 60 FPS अगर 5700G का, तो इसका अराउंड आपको 80 मिल जाता है, 80-85 GTA की बात करो, GTA 5 में, लो टू मीडियम सेटिंग्स की बात करो, 80 FPS तक इसका चला जाता है। 5700G का लेने का मतलब नहीं बनता,
है फिर। अब बढ़ते गाइस हम लोग अपने यहाँ पर पावर सप्लाई के ऊपर। गीगाबाइट का यहाँ पर पावर सप्लाई हमने लिया है, खाली डब्बा नहीं है, पूरा भरा है। और देखो 450 वॉट है, आराम से चला देगा। अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो इसकी जो टीडीपी है 65 वॉट है और 1050 टीआई की जो है अराउंड 70-75 रहती है टीडीपी, तो ये आराम से आपका पीसी बिल चला देगा। यहाँ पर हमने वैसे लिया है 80 प्लस ब्रॉन्ज, ठीक है, आप दूसरे भी ले सकते हो। और जिनको भी गीगाबाइट का पावर सप्लाई सुन के कुछ याद आ रहा है तो वो याद नहीं आए क्योंकि वो जमाना जा चुका है गाइस। वो एक टाइम पे होता है कि कभी मतलब खराब यूनिट्स आ गए थोड़े तो हो गया इशू, बट यार अब कोई चिंता की बात नहीं है तो ये बेहतरीन आपका काम करेगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे कैबिनेट के बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट द कैबिनेट, इट्स क्वाइट कूल एंड IC100 है ये। आगे तीन फैन, एक मैश है, काफी शानदार डिजाइन है, मतलब एक्स डिजाइन है, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा इसका डिजाइन। आगे जो तीन फैन है, पीछे एक फैन है, मतलब टोटल 4 ARGB फैंस है इसमें। और ऊपर की साइड आप आओगे तो देख सकते हो USB 2.0, USB 3, हेडफोन, माइक्रोफोन सब कुछ है। और स्पेस आप देख सकते हो गाइस, स्पेस जो है इसमें बहुत ज्यादा ही दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आप मदरबोर्ड लगाओ, साटा लगाओ, पावर सप्लाई यहाँ पर नीचे में लगेगा और ऊपर आप जो है लिक्विड कूलर्स, एयर कूलर्स जो भी आपको लगाना है सब की जगह है। मतलब 3 आगे 1 पीछे 2, मतलब टोटल जो है आपको 6 फैंस की जगह मिल जाती है। और इसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा ही शानदार है। ऐसी प्राइसिंग ना MD कंप्यूटर्स ना प्राइम ABGB कहीं भी नहीं मिलने वाली। आप ऑनलाइन कहीं भी जाके चेक कर लो, ठीक है, Amazon पे ही चेक कर लो, कहीं नहीं मिलेगी। और इवन इस पूरे पीसी बिल्ड की जो प्राइसिंग है वो भी कहीं नहीं मिलने वाली। और देखो यार ये जो सारे प्रोडक्ट्स है सारे सील्ड पैक, सारे एकदम ट्रस्टेबल है, कोई भी इश्यू आपको कहीं नहीं होने वाला है। प्रॉपर GST बिलिंग के साथ प्रॉपर सब कुछ बिल होगा तो डरने की जरा भी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं गाइस हम लोग प्राइसेस की। सबसे पहले बात करूंगा i5 12400, इसकी प्राइसिंग 9000 रुपीज, जस्ट 9000। मदरबोर्ड S510 GB, इसकी प्राइसिंग 5800 रुपीज ओनली। और 8GB RAM 2400 प्राइसिंग है इसकी, 500GB की 3450 इसकी प्राइसिंग है। और पावर सप्लाई की प्राइसेस गाइस 2200 है। इसको कैसे बोल सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग जो है 1050 Ti की सिर्फ 13500। गाइस लुक एट द प्राइसेस व्हिच हैव फॉलन आफ्टर द माइनिंग सिचुएशन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ही डाउनफॉल आया है। और अच्छे प्राइसिंग पे, और इवन मैं चाहूंगा इससे और अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाए, मतलब इस प्राइस में आप 1650 1660 सुपर 2060 लगा पाओ यार, मैं तो ये चाहूंगा ऑब्वियसली। बट अभी के लिए 1050 Ti ही आ रहा है इस प्राइसिंग में 30500, तो अभी के लिए यही बेस्ट है। आई होप दैट दिस प्राइस फॉल्स एंड यू गेट अ बेस्ट डील आउट ऑफ इट। ये हमारा चमकता धमकता कैबिनेट, इसकी जो प्राइसिंग है गाइस 3000 है। मतलब आप कहीं भी चेक करो 3300 जो भी, मतलब 3000 तो ऊपर ही रहने वाला है, कहीं भी चेक करो। IC& मैं लिख के देता हूं IC& 100, जस्ट प्राइस 3000। और पूरे बिल की प्राइस गाइस 39350 है। और अगर गाइस आपको जो है ये पीसी बिल बनवाना है या फिर कोई और पीसी बिल 60,000, 1 लाख, वो सब भी हम लाने वाले हैं वैसे, बट अगर बिल करवाना है तो ऑब्वियसली यहां पर विजिट करो जगदम्बी का इंटरप्राइजेस। और देख सकते हो गाइस यहां पर हमने 4-4 कुर्सियां आपके लिए लगा रखी है। आओ यार बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, आ जाओ। और गाइस आओ थोड़ा सा अपनी टीम से मिलवाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हो यहां पर जो है अभी पूरा पैकिंग शिपिंग सब कुछ चल रहा है, बहुत सारे कंपोनेंट्स, आ जाओ दिखाता हूं, आ जाओ। सो गाइस देख सकते हो यहां पर इतने सारे मतलब भंडार लगा हुआ है, मदरबोर्ड से लेके पावर सप्लाई, इवन इट प्रोसेसर, एनीथिंग गाइस सब कुछ है। और ये जो है सेकंड वेयर हाउस है, बहुत सारे और भी वेयर हाउस है। सो गाइस आपको सारा मैंने वेयर हाउस दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, बहुत सारे चीजें हैं, आपको जो भी ऑर्डर करना है कुछ भी पीसी बिल्ड, मैं कितने नाम गाइस 100+ प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आपको जो भी ऑर्डर करना है कर सकते हो आराम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, एड्रेस सब कुछ है, जाओ आओ विजिट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।